प्रमुख शिल्प काट रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया भारत में पूछा गया यहाँ पर श्वेत क्रांति के प्रमुख शिल्पकार कौन रहे हैं? एम एस स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, त्रिभुवन दास पटेल या प्रोफेसर यशपाल। सही आंसर भी आएगा वर्गीस कुरियन। हरित क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि करने में सफल रहा है? अनाज फसल, दलहन दलहन फसल, मसाले की फसल या सब्जियों की फसल। सही आंसर ए आएगा अनाज की फसल। अनाज की फसल विशेष रूप से आप कहा जाए तो गेहूं ना, विशेष रूप से गेहूं में ये सबसे ज्यादा हमको प्रभावित किया है। और दूसरे नंबर पर धान आ जाता है कि धान की फसल को प्रभावित किया है। तो याद रखना ये अनाज की फसल और दोनों क्या हो जाते हैं, अनाज की फसल हो जाते हैं। तो अनाज की फसल गेहूं और धान में सबसे ज्यादा उत्पादन हमको देखने को मिलता है। हरित क्रांति का प्रमुख घटक क्या है? उच्च उत्पादकता किस्म के बीज को उपयोग, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का उपयोग, सिंचाई सुविधा का विकास या उपरोक्त सभी। नो डाउट इसका आंसर डी आएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन हमारे सामने हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? यहाँ पर आपको सुमेलित बताना है। इंद्रधनुष की क्रांति, कोको उत्पादन, ग्रे क्रांति, उर्वरक उत्पादन, स्वर्ण फाइबर क्रांति, कृषि समस्त विकास। देखो इसमें इंद्रधनुष की क्रांति, कोको उत्पादन, कोको का तो यहाँ पर कोई रोल नहीं है हमारे भारत में, और स्वर्ण फाइबर क्रांति भी कृषि का समस्त विकास ये तो है नहीं यहाँ पर। तो बच जाता है ग्रे क्रांति दूसरा, मतलब यहाँ पर केवल दो आएगा, केवल दो ही सुमेलित है। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? श्वेत क्रांति अर्थात दुग्ध उत्पादन की शुरुआत कब हुई थी? 1980, 1982, 1972 या 1970। सही आंसर डी आएगा 1970, जब हमने उच्च नस्ल की गायों को, उच्च नस्ल के जो गाय है जैसे साहिवाल है या जर्सी है, ऐसे गायों को यहाँ पर लेके आए और उससे ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादन किए। तो हम 1970 का समय था जब दुग्ध क्रांति ऑपरेशन फ्लड चला यहाँ पर, और श्वेत क्रांति दुग्ध क्रांति बोलो, श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड बोलो, ये सब 1970 के आसपास चला। विश्व का सबसे बड़ा सहकारी कार्यक्रम क्या है? हरित क्रांति, हाई एडिंग वैरायटी प्रोग्राम, ऑपरेशन क्लब या इनमें से कोई नहीं। यही है ऑपरेशन क्लब दूध क्रांति ही, जो विश्व का सबसे बड़ा सहकारी कार्यक्रम है। सबसे ज्यादा प्रदेश में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता किस राज्य में है? मैंने कहा के लोग सबसे ज्यादा दूध पीते हैं, मोटा मोटा अगर क्वेश्चन का कहने का आशय यही है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। सही आंसर भी आएगा पंजाब। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67, 1960-61, 1970-71 या 1948-49। सही आंसर इसका ए आएगा 1966-67 के समय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन हमारे सामने हैं, हरित क्रांति का नाम दिया, हरित क्रांति का नाम किसने दिया? डॉक्टर एम स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, विलियम गेंड या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया नाम देने का, सही पूछा गया कि हरित क्रांति जो बोला गया किसने बोला, तो सही आंसर सी आएगा विलियम गेंड। जब कोई अनाज का जैसे भरपूर रूप से उत्पादन होता है तो उसे हम हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, और जिसका श्रेय जाता है नाम देने का विलियम गेंड को। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना या योजना अवकाश के समय। सही आंसर डी आएगा योजना अवकाश के समय, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जब 1965 का समय था, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। एक तो युद्ध में हमारी जर्जर अवस्था हो चुकी थी यहाँ पर, और इसके अलावा इसी समय भयंकर सूखा पड़ा, और सूखा पड़ने के बाद हमारे पास ये क्षमता नहीं थी कि हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को बना सके। इसी समय प्लान हॉलीडे या योजना अवकाश हमने लिया। और एक चीज और थी कि हमारे सूखा पड़ने के कारण जो देश में किल्लत पड़ती थी अनाजों का, और जिससे हमको दूसरे देश पर हम निर्भर हो जा रहे थे, और निर्भर होने पर मांग कर रहे थे दूसरे देश हमको अनाज दे, उससे निपटने के लिए ही हमने एक नया योजना बनाया हरित क्रांति, अर्थात जो आया 1966 के आसपास, हमने इस हरित क्रांति को अपनाया। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम, अंडा, चमड़ा या बागवानी? सही आंसर डी आएगा बागवानी से। पेट्रोलियम को होता तो ब्लैक क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, अंडा तो स्लेटी आ जाता, चमड़ा तो गुलाबी आ जाता, और बागवानी जो आता है स्वर्ण क्रांति से संबंधित होता है। हरित क्रांति के प्रणेता कौन है? विलियम गेंड, डॉक्टर एम स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग या वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन तो दुग्ध क्रांति वाले हैं, जहां तक विलियम गेंड ने तो हरित क्रांति का नाम दिया था, हमें पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आएगा नॉर्मन बोरलॉग, जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, और मेक्सिको उनका कार्य स्थल था। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में वो तो हरित क्रांति जो है अमेरिका में नॉर्मन बोरलॉग को जाता है जन्म देने का श्रेय, और विलियम गेंड को नाम देने का श्रेय जाता, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, क्योंकि वर्गीस कुरियन से दुग्ध संबंधित है, तो यही आएगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एक चीज और, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक थे, जिसे हरित क्रांति भारत में डालने का श्रेय जाता है, उसी समय यहाँ पर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और कृषि मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम थे, ये भी दोनों चीज याद रखेंगे। दूसरी हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? विलियम गेंड, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग या एपीजे अब्दुल कलाम। सही आंसर हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वितीय हरित क्रांति के प्रणेता थे। किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
एम के शाह, पार्थ सारथी, एम एस स्वामीनाथन और बी के चतुर्वेदी। सही आंसर सी आएगा, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के भारत के प्रणेता के जाने जाते हैं, जिन्हें प्रथम अध्यक्ष रूप में भी हम किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष रूप में भी जानते हैं। वेटनरी रिसर्च केंद्र स्थित है करनाल में, इज्जत नगर में, हिसार में या शिमला में। सही आंसर भी आएगा इज्जत नगर, यूपी ना, इज्जत नगर यूपी में यह स्थित है वेटनरी रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, डेयरी रिसर्च केंद्र कहाँ है। अब आपका डेयरी रिसर्च केंद्र की बात कर रहा है, करनाल, तमिलनाडु, मथुरा या हिसार। सही आंसर ए आएगा, डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो डेयरी रिसर्च सेंटर करनाल। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल का हुआ, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, गन्ना। सबसे ज्यादा जो पहले नंबर पर रहा वो गेहूं पर उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ, दूसरे नंबर पर उत्पादन चावल का हुआ, मोटे अनाज का वास्तव में घाटा था इस समय कार्यकाल में। वास्तव में हमने दोनों पर ही ध्यान दिया, पहले तो गेहूं पर और चावल पर ही ध्यान दिया गया, न कि मोटे अनाज पर। एवर ग्रीन रेगुलेशंस किसकी प्रेरणा से संचालित हुआ था, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, सी सुब्रमण्यम या डॉक्टर शोभा नीलम। सही आंसर भी आएगा, एम एस स्वामीनाथन के निर्देशन में एवर ग्रीन रेगुलेशंस आया था। भारत में दूध उत्पादन में पहला अग्रणी राज्य कौन सा है, माने सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान। सही आंसर दूध उत्पादन बोला जाए तो ए आएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है।